भाई एक ये आज हमारे साथ है, तो सभी किसान भाइयों को उनका दानिश आपको शेयर करना चाहते हैं। तो आप सभी किसान भाइयों को तरफ से मैं डॉक्टर अमरचंद उच्चे सर का वेलकम करता हूँ। तो अभी सर ने बहुत काम किया है, मिट्टी सॉइल पानी के ऊपर, और सॉइल का मिट्टी क्या रहना, कैसा रहना, कौन सा फर्टिलाइजर डालना, कब डालना, कौन सा टाइम पे डालना, उसके ऊपर बहुत काम किए हैं। 30 साल ओनली सिट्रस के ऊपर काम किया है सर ने। तो मैं सभी किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, उनका नॉलेज को यूटिलाइज कर लो। सर ने फर्स्ट स्टार्ट करते उनका इंट्रोडक्शन से। तो मीनवेल कोई भी क्वेश्चंस रहे तो आफ्टर उनका बात होने के बाद हम डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सर, ओवर टू यू। और काफी मैंने एक्सटेंशन में काफी रिसर्च के अलावा एक्सटेंशन में भी हमने काफी अच्छा काम किया हुआ। तो जहाँ तक नींबू और फलों की समस्याएं हैं, वो चाहे संतरा हो, मौसम्बी हो, आपका ग्रेपफ्रूट हो या नींबू हो, अमूमन ये समस्याएं तरीकी रहती है होती है। तो उसमें सिर्फ उर्वरकों की मात्रा जो होती है, खाद की मात्रा, वो अलग अलग हो सकती है, या कुछ कीड़े हो सकते हैं, कुछ रोग हो सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें इतने कॉमन है। जैसे नागपुर संतरे में हमने काम किया या मौसमी में माल्टे में काम किया, तो वो जो कीड़े जैसे 10-12 किस्म के कीड़े होते हैं बगीचे में, तो सारे बहुत कीड़े होते हैं, लेकिन जो हमारे सिट्रस के लिए है, फूलों के लिए जो महत्वपूर्ण होते हैं, वो 10-12 होते हैं, जिन पर हमको ध्यान देना होता है। वैसे रोग होते हैं, रोग जैसे खरपतवार हुआ, यहाँ पे जो जो ग्रीनिंग डिजीज हुआ, तो ये सबसे ज्यादा है, या आपका कैंकर हुआ, सिट्रस कैंकर, तो ये चीजें जो है वो हमारे यहाँ सब कॉमन रहती है। तो आज हम किन्नों पर जो समस्या है, पोषण संबंधी समस्या है, बाद में हम और भी टॉपिक्स है जो रमेश सर बताएंगे आपके बाद में कि कैसे हम करने जा रहे हैं। तो जहाँ तक मिट्टी और पोषण की समस्याएं हैं, उस पर आज हम विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इसको बड़ा कर सकते हैं क्या, नेविगेट कर सकते हैं क्या इसको? राजपाल जी सर म्यूट करो, आई थिंक शत्रु आदर्श को म्यूट करो। नहीं, इसको नेविगेट कर सकता हूँ क्या स्लाइड्स को? मैं नहीं कर सकता, नेक्स्ट स्लाइड ले सकता हूँ क्या? नहीं, इधर राजपाल वो। हाँ ओके ठीक है, प्लीज गो अहेड एवरीबॉडी इज म्यूटेड। या सर प्लीज गो अहेड। तो अगली अगली स्लाइड बताइए, मैं नेविगेट नहीं कर सकता ना स्लाइड को। हाँ नहीं, शत्रु विल मूव सर, या नेक्स्ट स्लाइड, व्हेनेवर यू गो द नेक्स्ट या यू मूव। शत्रु फुल स्क्रीन करो उसको। हाँ फुल स्क्रीन करो नेक्स्ट। हाँ ओके, तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है, वो हमारे मिट्टी में रहना, पर्याप्त मात्रा में रहना जरूरी है। तो इसलिए हम जो बोलते हैं उर्वरकों की जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ में हम हमारे जैसे गोबर खाद हुआ, या कोई भी इसकी फसल हुई जो आपका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाती है, जैसे बरसीम हुआ या सनेम हुआ, तो उसका अगर हम उसकी बुआई करते हैं जैसे बारिश के महीनों में, जुलाई में वगैरह, तो उसको उसमें मिला सकते, उससे आप हमारा कार्बन जो कंटेंट है मिट्टी का वो बनाए रख सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो यहाँ लिखा हुआ है, वो उसको हम इस तरीके से नेचुरली प्राकृतिक रूप से हम बढ़ा सकते हैं। तब उसके साथ में हम जो हमारे उर्वरक डालेंगे वो काम करते हैं। तो सीधे अगर उर्वरक डालेंगे हम, खाद ही डालेंगे रासायनिक, तो वो ठीक नहीं होगा। तो एक तिहाई मात्रा में हमारे जो न्यूट्रिएंट है, जो भी तत्व हमको लगते हैं, तो वो हमारे गोबर खाद के जरिए या कोई गर्मी जो होते हैं जो बाजार में मिलते हैं, या अपने यूनिवर्सिटी में भी जो बायोडिकम्पोस्ट वगैरह मिलता है, तो हमारे गोबर खाद में उसको मिलाया, तो वो हमारे जो सूक्ष्म जीवों की जो अच्छे होते हैं कि नाइट्रोजन फास्फोरस जो हम लगाते हैं या मिट्टी में उपलब्ध है,
उसको उपलब्ध कराने के लिए ये मदद करता है। तो ये नहीं कि हम केवल रासायनिक खाद दे रहे थे या हम रासायनिक खादों की बात कर रहे हैं तो उसको हमने अलग रखना है। जो जो हमारे प्राकृतिक रूप से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सूक्ष्म जीव है तो उसका भी हमने सहारा लेना है और उसको भी हमने हमारे गोबर खाद में मिलाकर अगर लगाएंगे उसमें और कुछ मात्रा में आप वर्मी कंपोस्ट भी है। वर्मी कंपोस्ट तो ऐसा है कि खरीदना नहीं चाहिए, जो अगर आपके पास 800 पौधे हैं 1000 पौधे हैं उसके अलावा कुछ और आप फसल लेते हैं जैसे कपास हुआ या और भी गेहूं हुआ या चावल हुआ तो ये इन सब के लिए आपके पास एक जो भी जानवर होते हैं हमारे यहाँ या आपके पास अपने पास जानवर नहीं है जो दुधारू पशु होते तो जहां पर है वहां से हमने गोबर खाद लेके उसको ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये बनाना हमने अपने फार्म पर बनाना चाहिए तो वो सस्ता होगा ठीक होगा। क्योंकि बाहर से खरीद के लाने में तो आपको सिर्फ एक पौधे के लिए एक थाने में 5 किलो 10 किलो इतना ही दे सकते हैं। तो ये चीजें आपने देखना है कि जहां तक हो सके तो ग्रीन मैन्यूरिंग की फसल जो है जैसे सनेम हुआ या ढेंचा हुआ ये लगा सकते हैं और उसको मिला सकते हैं मिट्टी में जो 1.5 महीने के बाद में। तो ये इस तरीके से हम कार्बन हमारा जो मिट्टी का है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो अच्छा रहेगा। और ये अलग अलग जो हम फर्टिलाइजर जो फसल लेते हैं तो उसका जो उसकी मात्रा जो है वो कम होती है। जैसे हम मिट्टी का अगर विश्लेषण किया तो देखते हैं कि वो जो उसमें हमारा नाइट्रोजन हमारे अमूमन हमारे मिट्टी में कम होता है नाइट्रोजन, इसलिए हम नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो हमारे जो सिफारिश की यूनिवर्सिटी ने जो की हुई है तो उसको कम से कम 800 ग्राम या 1000 ग्राम जो पूरा बढ़ा हुआ पौधा है तो वो साल भर में उसको मिलना चाहिए। तो उसको जैसे उसका शेड्यूल होता है कि जो दिया हुआ है कि अभी जो जनवरी हुआ खत्म तो फरवरी में जो हमारी तुड़ाई खत्म होगी तो फरवरी में हमने इसकी मात्रा जो है वो पर्याप्त अच्छा देना चाहिए। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम ये तीनों बहुत जरूरी है अच्छा शुरू में तो ये जरूरी है। और फिर बाद में आता है कि आपका पत्तियों के जरिए जो देने हैं तत्व जैसे सूक्ष्म अन्य द्रव्य होते हैं कि जिंक हुआ, जिंक भी हमारी मिट्टी में कम होता है, जिंक हुआ मैंगनीज हुआ और आयरन सल्फेट जो बोलते हैं लोहा तो वो जो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट कुछ मिक्सचर जो बाजार में भी अच्छे मिलते हैं जैसे सिट्रस स्पेशल हुआ HR बेंगलोर का है या और भी कई कंपनीज के है यारा मिला का है या और भी किसी कंपनी का खास नहीं नाम होगा लेकिन आपके पास ये उपलब्ध होते हैं कई उसमें है आप उसको किसी से भी आप ले सकते जो आपके पास उपलब्ध है आपके आसपास जो आपका मार्केट है उसमें जो उपलब्ध है वो अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। उसमें कितने तत्व होते हैं वो उसमें कम होते हैं तो मिक्सचर सारे के सारे उसमें तत्व होते हैं। इसलिए अगर आपको जिंक की डेफिशिएंसी लग रही है जस्ते की कमी लग रही है ज्यादा तो मैं एक एडवाइस करूंगा कि जिंक सल्फेट जो होता है जो जिंक सल्फेट उसको हम 0.5 ग्राम जो है 0.5% तो 5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आप उसको जिंक सल्फेट का स्प्रे भी कर सकते हैं वो सस्ता पड़ता है और सीधे मिलता है। तो वो कब करना है जब पत्तियां आपकी अभी फरवरी में होगी तो मार्च अप्रैल एंड में जो पत्तियां थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है तो वो सबसे कार्यक्षम होती है तो अप्रैल के महीने में 15 तारीख के आसपास इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे आप उसमें कर सकते हैं। तो वो जो मिट्टी के जरिए उपलब्ध होता है और पत्तियों में जो समस्या होती है तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप जो मिट्टी के जरिए फर्टिलाइजर देते हैं तो पत्तियों के जरिए भी जो देने से उसका अलग परिणाम होता है और तुरंत मिलता है उस क्रॉपिंग सीजन के लिए उसके लिए। तो जैसे जिंक सल्फेट मैंने बताया यूरिया भी है यूरिया पत्तियों के जरिए दिया आपने जैसे हमने बताया कि 2,4-DO देते हैं या जिब्रेलिक एसिड देते हैं या और भी कोई देते हैं तो उसके साथ अगर यूरिया के इस्तेमाल करेंगे आप तो यूरिया एक जो पत्ती के जरिए देते हैं नाइट्रोजन तो हम मिट्टी में देते ही है। आप बोलेंगे कि हम तो 200-250 ग्राम जो नाइट्रोजन देते हैं यूरिया देते हैं मिट्टी के जरिए लेकिन पत्तियों के जरिए जब हम यूरिया स्प्रे करते हैं तो
उसका जो इफेक्ट जो होता है एक ग्रोथ रेगुलेटर जैसा काम करता है यूरिया। 1% यूरिया आप देंगे, जैसे 1 किलो 100 लीटर पानी में, 1.5 किलो भी दे सकते हैं, मैं कई बार 1.5 किलो भी रेकमेंड करता हूँ, कई बार 1 किलो शुरू में तो 1 किलो कर सकते हैं। जो पत्ती पत्तियां 2 महीने की होती है तो उसमें यूरिया पत्तियों के जरिए देने से उसमें जो पॉलीअमीन्स तैयार होते हैं, पॉलीअमीन्स यानी वो सूक्ष्म तत्व होते हैं जो पत्तियों के जरिए हमको ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम कर सकते हैं। तो यूरिया एक ऐसा रसायन है, ऐसा खाद है जो मिट्टी के जरिए तो उसकी उपलब्धता अच्छी होती है, उसके अलावा पत्तियों पर उसका स्प्रे करने से भी वो काम आता है। ये तो तीनों में ही नहीं तो अन्य और भी आपकी अपनी जो फसलें है उसमें भी अच्छा काम देता है। तो यूरिया की और सस्ता भी होता है, पानी में घुलता भी अच्छी तरह है, तो जैसे आप ड्रिप के जरिए भी देते हैं, फर्टिगेशन भी देते हैं, तो यूरिया एक अच्छा रोल अदा करता है। उसके अलावा भी दूसरे है, लेकिन जो सस्ते रेट पर जो मिलने वाला आमतौर पर सब जगह मिलने वाला, तो ये यूरिया अच्छा है। यूरिया हमारी जरूरत है, चाहे मिट्टी के जरिए देना हो या अपना इरिगेशन के जरिए, फर्टिगेशन के द्वारा देना, तो यूरिया एक अच्छा केमिकल फर्टिलाइजर है हमारा। तो उसके अलावा भी जो मिक्सचर्स है, पोटेशियम नाइट्रेट भी अच्छा घुलनशील है, वो मिट्टी के जरिए भी दे सकते हैं या अपना स्प्रे फोलियर स्प्रे में भी दे सकते हैं, तो वो है। उसके अलावा 1919 है या 12100 जैसे जो खाद आप मिट्टी के जरिए दे रहे हैं उसको आपने कैलकुलेट करना है। जैसे इस स्टेज पर अगर आप लोग मान लो 200 ग्राम नाइट्रोजन देना है, 200 ग्राम या 250 ग्राम देना, तो मिट्टी के जरिए कितना देना है, यूरिया के जरिए कितना है, या डीएपी देते हैं तो डीएपी अच्छा है तो उसमें कितना मिलता है डीएपी, तो 20% मैक्सिमम उसको मिलता है, तो वो बाकी बचा हुआ जो है, जैसे 1 किलो दे दिया तो वो 200 ग्राम तो उसने हो गया करीब करीब, तो बाकी 50 ग्राम है तो अलग तरीके से वो दे सकते हैं। ये चीजें सारी हमको देखना होता है कि कौन सा है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई बार वो आपका अवेलेबिलिटी कैसे, उपलब्धता कैसी होती है, उस पर वो आप टेलरमेड एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो दूसरा है कि निरंतर, जैसे मैंने बताया, निरंतर आप सालों साल या सीजन टू सीजन हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लेने, जो केमिकल फर्टिलाइजर ये देना ठीक नहीं है, इसलिए उसके साथ आपको कॉम्बिनेशन में ये ऑर्गेनिक अमेंडमेंट जो है, जो जैविक खाद हो या जैविक मात्रा में जो हमारा गोबर खाद प्राकृतिक रूप में मिलता है उसको भी देना जरूरी है, तो उससे मिट्टी जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी बनी रहती है, उसमें पोरस हवा भी रहती है, क्योंकि सिट्रस रूट्स को क्या चाहिए, कॉम्पैक्ट जमीन नहीं होनी चाहिए, उसमें हवा भी मिलनी चाहिए उसको। जैसे हम इरिगेशन देते हैं, पानी दे देते हैं उसको, तो एकदम से हम खाद तो उपलब्ध नहीं होता, जब वो सूखता है और उसको पानी सूखने लगता है, निकलने लगता है और उसमें जो भाप बनती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो अवेलेबल वाटर कंटेंट में आता है, तो अवेलेबल वाटर कंटेंट यानी जो उसमें नमी रहती है, पानी नहीं रहती, पानी अलग है, पानी तो ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है, निकास हो जाता है ज्यादा के पानी का, उसके बाद जो नमी रहती है वो उससे पौधे को फायदा होता है, और पौधा जो अपना अन्न तत्व जो है वो उसके जरिए मिट्टी में से हमारे जड़े जो है वो ले लेती है, तो ये ध्यान रखना है। इसलिए हम कहते हैं कि आप फ्लड इरिगेशन करते हैं, फ्लड इरिगेशन तो अच्छा है, तो आपको ड्रिप इरिगेशन को इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन से हम ये नहीं जरूरी कि हम हमारे पास बहुत पानी है, बहुत पानी के लिए, लेकिन बिजली तो लगती है, बिजली का इस्तेमाल है, और पानी ज्यादा भी ठीक नहीं है, तो उसका अच्छा मैनेजमेंट करना है तो आपको ड्रिप इरिगेशन लेना चाहिए। ड्रिप से हमारी काफी समस्याएं हल हो जाती है, क्योंकि अप्रैल और मई महीने में जब फूल आ जाते हैं और छोटे फल होते हैं तो उस वक्त खाद तो दिए हुए हमने, लेकिन वो रुकते नहीं है या गिर जाते हैं। जैसे अभी शायद मनप्रीत सर ने बताया था कि उनके बगीचे में जो 800 पौधे हैं उसमें से 200 में फल या फूल आए नहीं, फूल आए होंगे टिके नहीं होंगे, तो उसको हमने देखना है कि ये या तो फल फूल आए नहीं या आए है और टिके नहीं, जो छोटे दाने लगते हैं उसके पहले या उस वक्त ही गिर गए, तो वो देखना जरूरी है कि वो पानी का सिस्टम किस तरीके का है,
उन्होंने हो सकता है वो बोलेंगे कि हमने खाद तो अच्छे दे दिए जो निर्वाचक ने सिफारिश की या हम एक्सपर्ट्स ने जो बोला उसके मुताबिक दिया, लेकिन पानी का व्यवस्थापन कैसा है ये भी देखना चाहिए। मैंने ये भी पूछा उनसे कि मिट्टी और पानी की जांच तो उन्होंने कराई है और सब ठीक है, पानी अच्छा है, कोई खारा पानी नहीं है, जो बोलते हैं कि 1000 फुट नीचे जो हमारे जो साल्ट टैंक है वो बोलते हैं कि ठीक है। तो पानी का प्रबंधन कैसा है, तो अप्रैल महीने में खासकर आपको ये इसका ध्यान देना है। जैसे मार्च एंड में अभी फ्लावरिंग होगी, फूल आएंगे, खाद वगैरह सब दे दिए आपने, लेकिन उसकी फ्रूट सेटिंग वो होती है, उस वक्त पानी का व्यवस्थापन कैसा है, उसका प्रबंधन कैसा है वो देखना चाहिए। तो पानी कम दे दीजिए लेकिन जल्दी दे दीजिए, एकदम ऐसे नहीं कि 10 दिन बाद 12 दिन बाद ही पानी दे दिया और फिर उसको 10 दिन 12 दिन तो वो ये जो पीरियड होता है, ये जो फ्लावरिंग के बाद फल लगते हैं तो वो बहुत जरूरी है, बहुत संवेदनशील होता है, कि उसमें आपको 1.5 महीना जो है अप्रैल एंड तक अच्छा है उसको नमी बनाए रखना है, पानी एकदम से नहीं देना, हफ्ते में 10 दिन में एक ही बार पानी दिया और फिर 10 दिन जमीन सूख जाती है, थाला सूख जाता है, मिट्टी पूरी सूख जाती है, तब पानी दे तो वो गिर जाते हैं फूल। तो उस पीरियड में जो 40-45 दिन का जो टाइम होता है फूल लगने के बाद वो बहुत जरूरी है, उसको ध्यान देना कि किस तरीके से हम उसके नमी बनाए रखें, वो एकदम सूखने नहीं देना है। इसलिए ड्रिप इरिगेशन पर्टिकुलरली यही करता है कि ड्रिप से आप 1 दिन के बाद में भी उसको पानी दे सकते हैं, 4 घंटे या 6 घंटे उसको चलाया तो 100 से 150 लीटर पानी पर्याप्त होता है एक पौधे के लिए। अब चार्ट देखेंगे उसमें तालिका में सब दिया हुआ है कि कौन से महीने में कितना पानी हमारे और कौन से पौधे को कितना पानी लगता है एज के मुताबिक उसके, और जो 8 साल का 10 साल का पौधा है तो और फल होते तो वो अप्रैल और मई महीने में कितना। तो अप्रैल महीना आपका मार्च एंड और अप्रैल बहुत जरूरी है, होली के बाद का और आपका अप्रैल एंड तक का बैसाखी का पूरा महीना इसको हमने देखना है, तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। चलो नेक्स्ट शत्रुघ्न, नेक्स्ट तो ये तो अलग अलग हमने दिया है कि इसमें दो चीजें होती है कि उसमें कमियां क्या है डायग्नोसिस यानी मिट्टी में या हमारी पत्तियों में। अब पत्ती का विश्लेषण आए साल करना जरूरी नहीं है, मिट्टी का तो, लेकिन आपने 3 साल में एक बार या बगीचा जब लगाते हैं उसके पहले उसका मिट्टी का विश्लेषण करना जरूरी है, उसका प्रोफाइल सैंपलिंग करना जरूरी है, क्योंकि प्रोफाइल सैंपलिंग से हमको पता चलता है कि हमारी मिट्टी कितनी गहरी है, उसमें पानी का लेवल कैसा है, कई जगह पानी नीचे है और कई जगह ऊपर है, तो उसके मुताबिक हम बगीचे की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे हाई वाटर टेबल है, जैसे जो नहर के नजदीक वगैरह है, तो उसको फिर प्लांटिंग की जो पद्धति होती है उसको रेस बेड पर हमने प्लांटिंग करनी चाहिए, ताकि जड़ों में जो उसका ज्यादा पानी भी अच्छा नहीं है, पानी का निकास अच्छा होना चाहिए जो रूट सिस्टम होता है हमारा। इसलिए ये जरूरी है कि पहले मिट्टी का प्रोफाइल सैंपलिंग करें और बाद में आए साल करने की जरूरत नहीं, 3-4 साल में एक बार फिर वो एक फुट का जो होता है, जो हमारी जो खाद देते हैं खाद क्या हम पूरा 2-3 फुट तक नहीं देते खाद, हम ऊपर की सतह में जैसे 30 सेंटीमीटर तक ज्यादा से ज्यादा उसका ऊपर का 15-20 सेंटीमीटर का हम खोदते हैं उसमें मिला देते हैं या इरिगेशन के जरिए देते हैं, तो वो तो अपने आप ही 4-6 इंच नीचे तक जाता है। तो ये जो जड़े होती है हमारी ऊपर रहती है, ऊपरी सतह में रहती है, जो पोषण लेने वाली जो तत्व लेने वाली पोषक तत्व लेने वाली जड़े जो होती है ऊपरी सतह में होती है, और जो एंकरिंग रूट्स होती है जो उसको मजबूती प्रदान करती है ऊपर की कैनोपी की, इतनी बड़ी कैनोपी होती है तो वो नीचे जो एंकरिंग रूट्स बोलते हैं उसको पकड़ के रखने वाली जो जड़े होती है वो होती है, वो उससे जो खाद और उर्वरक उससे नहीं लेती, वो सपोर्ट के लिए होती है, स्ट्रेंथ के लिए होती है, उसका स्केलेटन बनाए रखने के। तो ये जो हमारी खाद लेने वाली जड़े होती है तो वो हमारी जैसे 30 सेंटीमीटर तक 40 सेंटीमीटर तक होती है और तने से लेकर आपका करीब करीब 75 सेंटीमीटर यानी आपका 2-2.5 फीट के बाहर वो ज्यादा उसकी जो
70-80% आती है, 80% तक का जो आपका खाद वगैरह है वो तने के नजदीक नहीं होना चाहिए, तने से 2 या 2.5 फुट बाहर होना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे जो पौधे को मिलता है। तो ये खाद कैसे देने वो भी अगर मैन्युअली दे रहे हैं खाद तो आप गोबर खाद तो पूरा फैला के दे सकते हैं, लेकिन वो गोबर खाद को भी मैं कहूंगा कि तने से दूर 1.5 फुट 2 फुट और फिर बाहर आपका 4-5 फुट तक वो फैला कर उसको देना चाहिए गोबर खाद, और वो बैंड पद्धति से उसको दे सकते हैं, एक पट्टे में गोलाकार उसको दे सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन अगर आपने लगाया है तो ड्रिप में भी आप गोबर खाद तो नीचे दे सकते हैं, लेकिन ड्रिप के जरिए फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो वो ड्रिप के जरिए दे सकते हैं, और ड्रिप के जरिए नहीं दे रहे, जो खाद ऐसे देने होते हैं जो ड्रिप के जरिए नहीं, सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है तो वो घुलनशील नहीं होता, तो वो आप जहां ड्रिप के एमिटर्स है जैसे 3-3 एमिटर्स होते हैं, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, यहाँ गोल होता है 10-12 एमिटर्स होते हैं, तो वो जहां एमिटर्स है उसके आसपास हमने ये खाद भी देने चाहिए ताकि वो जड़ों को जो मिट्टी जो होती है वहां पर तुरंत उपलब्ध हो सके, क्योंकि बाहर पड़ा रहे तने के नजदीक पड़ा रहे तो वो मिलता नहीं है और वो वेस्ट हो जाता है, तो उसका एफिशिएंसी जो है कार्यक्षम अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे अगर करेंगे तो वो जो कम से कम खाद में हम अच्छा जो हमारी पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी हो सकती है। तो ये रहा मैनेजमेंट का। और डायग्नोसिस तो मैंने जैसे कहा, पत्तियां आपको हर साल पत्ती का एनालिसिस करना जरूरी नहीं है, जैसे अंगूर में वो करते हैं, लेकिन इसको जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे जो लक्षण होते हैं किसी भी अन्न तत्व की जो कमी के लक्षण होते हैं वो हमारे पत्ती में दिखते हैं और उससे हम बोल देते हैं, और उसके बेस पर ही हमारे जो रिकमेंडेशन है, जो खाद की सिफारिश है उसी बेस पर की हुई है। तो आपको हर बार पत्ती लेकर प्रयोगशाला में जाना जरूरी नहीं है, आप सैंपल उसका जरूर दिखा सकते हैं किसी भी एक्सपर्ट को कि इसमें कौन से तत्व की कमी है या किस वजह से हुआ है, ये तो हम कोई भी जो देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें जैसे प्रोफाइल सैंपलिंग की बात मैंने कही कि प्रोफाइल इसलिए करना चाहिए कि मिट्टी कितनी गहरी है, उसमें आपका काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी कुछ है क्या, या उसमें कंकड़ है क्या। कैल्शियम कार्बोनेट सबसे बड़ा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किस तरीके का है, अगर वो इंटरफेयर करता है हमारे जो दूसरे तत्व डालते हैं तो उसको मिलता नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो उसका पीएच और ये सारा देखने के लिए ये जरूरी है प्रोफाइल सैम्पलिंग करना। और ये जैसे ये समस्या, तो जैसे आपने बताया कि 200 पौधों में फूल आए नहीं है, तो वो अगर मिट्टी में ऐसा कोई समस्या हो तो उसको हम जो CCC जो है, जो क्रोमिकल क्लोराइड जो बोलते हैं एंटीजिबल कंपाउंड, और एक कल्टर जो आम में लगाते हैं, आम में आम। हेलो रामचंद्र जी, बहुत होते हैं हमारे साथ भी, बहुत आपके साथ क्या होता है। हेलो, हाँ कुछ बोलना है। नहीं नहीं सर, यू कैन कंटिन्यू सर, वी विल टेक क्वेश्चन एट द एंड। तो ये CCC और ये कल्टर जो है एंटीजिब्रिल कंपाउंड है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब करना है जब उसकी जरूरत हो, ऐसे नहीं कि आए नहीं पौधे तो हम सीधा इसको, क्योंकि अननेसेसरी केमिकल भी इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए अगर जरूरी हो उस पौधे में, ये तो फल आए नहीं, इसका मतलब दो तरीके का हो सकता है कि फल फूल आए लेकिन टिके नहीं, तो फूल आए टिके नहीं तो वो समस्या दूसरी है, फिर ये CCC और इसके कल्टर की जरूरत नहीं है आपको, तो उसको देखना पड़ेगा। तो ये हुआ नेक्स्ट, तो इसमें भी ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसमें चूना जो है वो ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, कई मिट्टियां ऐसे हो सकती है कुछ सूखे इलाकों में, जैसे हो सकता है गुरदासपुर होशियारपुर या उधर भी हो, तो वो देखना पड़ेगा, इसलिए उसका सैंपलिंग करना जरूरी है। और नीचे जो है पत्थर वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो बगीचा सूखता है। नेक्स्ट, ये सारे जो आपके यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन में भी ये दिया हुआ है कि पीएच कितना होना चाहिए,
तो सागर राम जी आपने हाथ उठाए हैं, क्वेश्चन हम प्रेजेंटेशन होने के बाद लेंगे लास्ट में। चैट में भी लिख के रख सकते हैं, वो हम लोग सर पढ़ेंगे और सर उसको फिर एक एक करके पूछेंगे। आप लिख सकते हैं तो चैट में भी लिख सकते हैं उसको। तो ये पीएच जो है आमतौर पर हम बोलते हैं कि 7.5 के आसपास, 6.5 और 7.5 की पीएच जो है अच्छी होती है, लेकिन हर मिट्टी में वो मिले ये जरूरी नहीं है। लेकिन 8.75 तक की भी पीएच अगर हो तो वो मैनेज हो सकता है, उसमें कोई समस्या इतनी खास आती नहीं। हाँ, लेकिन 8.5 के ऊपर अगर पीएच हो तो वो हाई पीएच मानी जाती है, उसको फिर मैनेज करना है। तो इसलिए मिट्टी का परीक्षण करना बहुत जरूरी है शुरू में। नेक्स्ट, ये जैसे ये नाइट्रोजन फास्फोरस कितना होना चाहिए और मिट्टी में कितना होना चाहिए, तो ये सारा दिया हुआ है। तो जैसे आमतौर पर नाइट्रोजन हमारी मिट्टियों में कम होता है, फास्फोरस मीडियम होता है और पोटेशियम पूरी प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन आयरन और जिंक की भी कमी कई बगीचों में दिखाई पड़ती है, खासकर जिंक की, जस्ते की, तो वो देखना होता है। इसलिए हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी देते हैं तो मिट्टी के जरिए भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, तो जैसे मैंने बताया कि लीफ एनालिसिस, सॉइल एनालिसिस, जो मिट्टी का परीक्षण और पत्तियों का परीक्षण जो है, वो पत्तियों का करना जरूरी नहीं है, ऐसा संभव भी नहीं होता, लेकिन मिट्टी का जरूर आपने एक बार अगर नहीं किया है बगीचा लगाते वक्त तो अभी कर सकते हैं। अगर 1000 पौधे के बगीचे में आपको लगता है कि ये मिट्टी हमारी अलग है, ये 500 पौधे अलग है, ये 400 अलग है, तो वो दो सैंपल भी आप दे सकते हैं और उसका एक बार बना के रख लिया आपके पास, अपने मोबाइल में रख लिया, बोलता है कि ये किया है, तो फट से उसको दिखा के उसको पूछ सकते हैं कि इसमें क्या है, और वो भी एक नजर डाल के उसको उसके मुताबिक फिर सलाह दे सकते हैं। और जो कमियां होती है, डिफिशियंसी सिम्टम्स, जो पत्तियां देख करके कर सकते हैं। बायोकेमिकल एनालिसिस की कमी की तो जरूरत नहीं है, जूस एनालिसिस भी तरीका होता है, सैप एनालिसिस जो फ्रूट का होता है, वो अलग अलग तरीके है, लेकिन इनकी सब जरूरत नहीं है। और फूल जो आते हैं, फूल किस तरीके के आते हैं, ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये भी जैसे किन्नो संतरे का है, वैसे नागपुर संतरे का भी ये लेवल्स करीबन सेम है, चाहे आप अमेरिका के स्टैंडर्ड्स ले लो या हमारे ले लो, तो वो जो रेंज जो दिया है, जैसे 1.7 में भी फ्लावरिंग आती है, फ्रूटिंग आती है अच्छी, और 2.8 में भी आती है, लेकिन 1.7 में अगर देखेंगे यहाँ ऑप्टिमम जो बोला है, फूल आएंगे, फल आएंगे, लेकिन उसका जो रिप्लेनिशमेंट दोबारा हम खाद नहीं देंगे तो अगले साल तो आएगा लेकिन पौधा खराब होगा, इसलिए ये रेंज बड़ा है। ये नहीं कि इसमें ये करेंगे नहीं तो फूल आएंगे नहीं, उल्टा ये स्ट्रेस होता है, कोई भी स्ट्रेस, किसी भी किस्म का स्ट्रेस होता है तो उसमें फूल आते हैं बड़ी मात्रा में, लेकिन वो बगीचे के लिए, अपने पौधे के लिए ठीक नहीं होता, बिना खाद दिए हम उसको अगर फल फूल और फल ही ले ले उसके। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो वही है। तो इसमें जो दिया हुआ है कि न्यूट्रिएंट, इसमें कमियां जो होती है वो जब ज्यादा न्यूट्रिएंट कम होता है उसमें तो वो दिखता है, लेकिन जो थोड़ी मात्रा में होते हैं तो उसको दिखता नहीं है, लेकिन इसलिए हमने पत्तियों का विश्लेषण, हम बोलते हैं कि पत्तियों लीफ एनालिसिस करना है, तो अगर बहुत ही कम है, 2 के नीचे नाइट्रोजन है, तो हमको देना जरूरी होता है। इसलिए जो छिपी हुई जो कमियां होती है वो हमको दिखती नहीं है, वैसे पौधा दूर से थोड़ा सा हरा भरा लगता है, लेकिन आप अनुभव से देखेंगे तो पत्तियों का जो अपनी कैनोपी जो होती है उसका वो कलर से हमको पता चलता है कि इसमें कुछ न कुछ कमी है, वैसे खासकर नत्रजन की कमी है। तो लेकिन उसमें पत्तियां पीली दिखती है, निस्तेज दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, उसको देखना पड़ता है कि नाइट्रोजन दिया है या फास्फोरस दिया है या और भी कोई रासायनिक खाद दिया है, नहीं गोबर खाद दिया है, नहीं उसके बाद दिया है तो वो क्यों पड़ रहा है, उसका हमको देखना पड़ता है, तब जाके हमको पता चलता है। हो सकता है उसमें फाइटोफ्थोरा जैसी बीमारी हो, पानी उसमें पानी का निकास अच्छा ना हो,
तो ये सारी चीजें अगर है, ये समस्या मिट्टी की है या उसके और समस्या है, तो वो खाद देने के बावजूद भी पौधे को नहीं मिलता, तो ये इसको देखना होगा। नेक्स्ट, तो ये जैसे मैंने कहा कि ये आपका पोटेशियम जो है, जब फल कम रहते हैं पौधे पर, खासकर 5-6 साल का बगीचा होता है, तो शुरू में ये छिलका उसका खुरदरा होता है, तो शुरू के साल में जो पौधे जो फलों की संख्या कम होती है, तो पोटैश को कम देना चाहिए। ये समस्या हमारे जो जहाँ हम जट्टी खट्टी इस्तेमाल करते हैं, रूट स्टॉक जो होता है, रफ लेमन का जो होता है, पंजाब में भी उसमें करते हैं या और हमारे महाराष्ट्र में इधर भी करते हैं, तो इस रूट स्टॉक में ये समस्या जो छोटे पौधे होते हैं उसमें दिखाई पड़ सकती है, तो अगर ऐसा हो तो उसको पोटैश की मात्रा हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैग्नीशियम है, ये तत्व बहुत कम होता है, तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसी इतनी जो समस्या इसकी नहीं आती, क्योंकि हम जो खाद देते हैं, जो रासायनिक खाद देते हैं, उसमें अलग अलग मिक्सचर्स में वो मैग्नीशियम की, कैल्शियम की और अदर अदर जो सल्फेट वगैरह, सल्फर वगैरह उसमें मिलता है, इसलिए ये समस्या ऐसे एकदम दिखाई नहीं पड़ती। नेक्स्ट, हाँ, ये जिंक जो जरूर है, जिंक हमने अलग अलग तरीके से, हमको जिंक की ये डिफिशियंसी कमी दिखाई पड़ सकती है, खासकर जो रोग होते हैं, जो स्ट्रेस ग्रेनिंग डिजीज है, ग्रेनिंग डिजीज में ये समस्या दिखाई पड़ सकती है, तो इसको ध्यान देना जरूरी है। इसलिए जिंक आपको आए साल, जिंक को अगर पौधा छोटा है तो 50 ग्राम दे दीजिए अभी, और बड़ा है 10 साल के ऊपर का पौधा है तो उसको कम से कम 100 ग्राम जिंक सल्फेट आप मिट्टी के जरिए दिया करो, मिक्सचर पूरा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिंक सल्फेट जरूर दिया करो, तो उससे क्या होगा, आपका जो ग्रीनिंग की समस्या है, तो ग्रीनिंग बेसिकली क्या है, ग्रीनिंग अगर है उसमें आप उसका प्रयोगशाला में ले जाएंगे उसको, वो बोलेंगे कि हाँ इसमें ग्रीनिंग है, पॉजिटिव है, लेकिन उसका समाधान क्या है, समाधान को हमारे व्यवस्थापन पर ही है, प्रबंधन पर ही है, खाद और मिट्टी का, पानी का अपना प्रबंधन कैसा है उस पर ही है। अगर हम अच्छे स्वस्थ पौधे को रखेंगे तो वो ग्रीनिंग हो या कोई भी बीमारी हो उसका तो हम ठीक है, उसके केमिकल्स भी है, उसका ट्रीटमेंट भी है, लेकिन उसको फिर अच्छा प्रतिसाद मिलने के लिए ये ग्रीनिंग मैनेजमेंट के लिए ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये आयरन, आयरन की डिफिशियंसी भी है, लोहा जो आयरन बोलते हैं, तो उसको भी मैनेज करना जरूरी है, अगर दिखाई पड़ता है ऐसे तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, और मैंगनीज भी, जो पत्तियां जो होती है जो ज्यादा पैमाने पर हो तो वो उसमें मैंगनीज डिफिशियंसी, इसलिए मिट्टी का एक बार अपने विश्लेषण किया, उसका परीक्षण किया, तो ज्यादातर समस्या ये वहां पर ही रिकमेंडेशन में जो सिफारिश करते हैं उसी से हल हो जाती है। नेक्स्ट, खासकर और बोरॉन तो वैसे फूल जब आते हैं और फल जब होते हैं, बड़े होने लगते हैं कि जून जुलाई में भी हम जो फल कई बार क्रैक हो जाते हैं, तो कैल्शियम और बोरॉन के स्प्रे जो है उसको हम दे सकते हैं, तो इसलिए बोरॉन भी जरूरी है। और कई बार जैसे फूल आते वक्त भी जैसे जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं या यूरिया बोलते हैं, उसके साथ भी बोरान आप दे सकते हैं स्प्रे में, जैसे 3 ग्राम एक एक लीटर पानी के हिसाब से उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट, जो बोरेक्स या बोरान पाउडर मिलता है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो हम, मैंने बोला शुरू में ही कि जो मिट्टी के जरिए हम जितने भी खाद उर्वरक देते हैं, जब पत्तियों के जरिए देते हैं तो वो पत्तियों के जरिए देने का फायदा ये होता है कि वो जो नई पत्तियां होती है, मैं और किसी कारणवश हम पौधा जमीन से ले नहीं पाता, रूट के जरिए नहीं ले पाता, तो उसको हम सीधे स्प्रे के जरिए उसको उसकी जो जरूरत है पूरी कर सकते हैं। उसमें कई उसके फायदे हैं कि जल्दी तुरंत पत्तियों को या अपने फल को मिलता है, और मिट्टी में उसको ज्यादा उसको जाता ही नहीं,
सीधे पत्तियों में होता है, मिट्टी के जरिए जो नहीं मिलता उसी को हम पत्तियों के जरिए देते हैं। लीचिंग का उसमें सवाल नहीं उठता क्योंकि मिट्टी के जरिए अगर इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देंगे तो वो कम मात्रा में पौधे को मिलते हैं, नीचे उसको लीच हो जाते हैं। तो इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो है एप्लीकेशन जो स्प्रे के जरिए देंगे तो वो तुरंत मिलता है, कम मात्रा में भी होता है। नेक्स्ट, तो फोलियर जैसे नाइट्रोजन भी दे सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट मैंने कहा नाइट्रोजन है, यूरिया के जरिए दे सकते हैं, आयरन सल्फेट है, मैंगनीज सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर मिलते हैं उसको भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि अलग अलग से आपको लेकर देने में काफी दिक्कत होती है, तो इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर्स जो मिलते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अब 2,4-D और जिब्रेलिक एसिड, ये दो अच्छे केमिकल है जो सस्ते ग्रोथ रेगुलेटर है जो हमारे अभी मिलते हैं। 2,4-D जो आप गेहूं में उसको इस्तेमाल करते हैं जो खरपतवार नाशी है, तो उसको कम मात्रा में 15 से 20 ppm तक इस्तेमाल करेंगे तो एक टॉनिक की तरह हमारे संतरा, नींबू, मौसमी या और जो दूसरे फलदार बूटे हैं उसमें अच्छा काम देता है। और जिब्रेलिक एसिड भी उसको 10 से 15 ppm तक जिब्रेलिक एसिड भी अच्छा काम करता है। उसके अलावा मैंने एक ब्रासिनोस्टेरॉइड भी अच्छा, पिछले 5-6 साल मैंने रिटायर होने के पहले उस पर तजुर्बे किए हैं, वो भी एक अच्छा ग्रोथ रेगुलेटर है, नया ग्रोथ रेगुलेटर है। तो ये और बाकी जो ये तो आपको अपने जो सिफारिश दी हुई है इसमें सिंगल सुपरफॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटेश और यूरिया, ये तीन केमिकल फर्टिलाइजर है। उसके अलावा मिक्सचर्स मिलते हैं तो मिक्सचर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसका मैनेजमेंट जो है, अगर बगीचा खराब हो रहा है तो उसका हमने जैसे मैंने बताया कि इसमें कमी दिख रही है तो किस वजह से वो कमी है, क्या हमने नहीं दिया खाद उस वजह से है, क्या हमने पानी का हमारा प्रबंधन ठीक नहीं उस वजह से है, क्या हमारी मिट्टी कैसी है उसमें पानी का निकास ठीक है या नहीं, ये सारी चीजें हमको देखना है। क्या उसमें कोई रोग है, खासकर फाइटोप्थोरा जैसा रोग है, तो वो देखकर हमको जो मैनेजमेंट है उसका वो करना पड़ता है, तब जाके उसका रिजुविनेशन इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग ये हो सकता है, कुछ मिट्टियां गहरी हो सकती है, उसमें पानी का लेवल कैसा है उस पर भी हमको देखना है कि इसमें जो कमी है या कोई समस्या है तो किस वजह से है, उसके बाद ही हम उसको उसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी उसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये इसमें समप किया हुआ है कि कौन से किस वजह से आपको समस्या आती है हमारे बगीचे में, वो देखना जरूरी है। और बाकी जो मैंने कहा कि रूट डेप्थ है उसका, वो कितना होना चाहिए, जैसे 150 सेंटीमीटर तक, 5 फीट तक का जो प्रोफाइल है वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि जड़े जो एंकरिंग रूट्स होती है उसको मजबूती देने वाली पौधे को ऊपर वो 5 या 6 फुट तक होती है, लेकिन जो ऊपरी सतह में जो होती है वो अन्न तत्व लेने वाली जड़े होती है, इसको हमने ध्यान रखना है, उसी के मुताबिक खाद और हमारा जो गुड़ाई करते हैं उसमें, तो जो बारिश के आने के बाद या जब धूप निकलती है अच्छी, तो उसको जड़ों को हवा भी मिलने के लिए, क्योंकि क्या है सिट्रस की जो है पौधे की जरूरत, जो मिट्टी में प्राणवायु की जरूरत है वो अन्य पौधों से ज्यादा है, जैसे आम हुआ आपका, अमरूद हुआ या और भी पेयर हुआ, तो उनसे ये इसकी जरूरत ज्यादा है, प्राणी जल्दी उसको हवा चाहिए, तो इसलिए उसको उसकी गुड़ाई करना जरूरी है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से आप करेंगे तो अभी हम अच्छा उसको मैनेज कर सकते हैं। आपके जो सवाल है उस पर हम अभी चर्चा कर सकते हैं, या कोई हमारे और विशेषज्ञ है वो भी कुछ बोलना चाहे तो उनको भी बोल सकते हैं। नहीं सर, अच्छा प्रेजेंटेशन था।
हमारे साथ और एक साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर शिकामणि सर, सुरूपा शिकामणि सर भी है, वे रिटायर्ड IHR से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर से डायरेक्टर थे, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स के भी डायरेक्टर थे, और YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी थे, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए है। अभी आपको कोई भी क्वेश्चंस रहे तो हम उनका आंसर दे सकते, डॉक्टर अंबादास सर है और शिकामणि सर है, तो वी कैन आस्क, आपका कोई भी क्वेरी रहे तो आप पूछ सकते हैं। अभी शिवसाई, हेलो सर, मेरा एक क्वेरी है सर। बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मेरा 3 साल का किनू का ऑर्चिड है, इस बार फर्स्ट टाइम इसमें फ्रूट आया था, तो कलर वगैरह ठीक था, साइज ठीक था, लेकिन उसका जो मिठास था वो उसमें बहुत कम था और फाइबर कंटेंट ज्यादा था, छिलका थोड़ा मोटा था, क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए? हाँ, छिलका मोटा तो जैसे छोटा पौधा, जैसे मैंने बताया ना कि उसको शुरू में ये समस्या आती है कि छिलका खुरदरा होता है या मोटा होता है, जब खासकर फलों पर, पौधों पर फलों की संख्या कम होती है ना, तो ये शुरू के 1-2 साल में समस्या आती है और उसमें जूस की मात्रा भी कम हो सकती है, तो इसको आगे अगर ऐसा है तो आप अगले साल उसको पोटेशियम थोड़ा कम दे देना, पोटेशियम शुरू में दे देना, जब पहला जो हम देते रहे तो यहाँ जो 5 महीने में देते, उसके बाद में पोटेश को कम करना, उसको या तो पोटेश ना दे आगे, जो पोटेश सिफारिश किया हुआ है उसका आप आधा ही दे दें, और बाकी नाइट्रोजन फास्फोरस और जो है वो पूरा दे सकते हैं, लेकिन पोटेश उसको कम कर दीजिए, उसका आपका जूस कंटेंट भी बढ़ेगा, छिलका भी अच्छा आएगा और मिठास भी उसको जो अनुपात है उसका PSSR एसिड का वो अच्छा आ जाएगा, जैसे पौधा बढ़ेगा और फलों की संख्या बढ़ेगी उसमें जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस करना है इनिशियली अपने। हाँ जी, पोटेश पोटाश ना सर, पोटाश कम करना है ना इसमें? हाँ जी हाँ जी। ओके ठीक है सर, ठीक है, और जो मिठास है वो भी मतलब टाइम के साथ ठीक हो जाएगा? हाँ, और आपको जो पत्तियों के जरिए बाद में देना है वो जो स्प्रे में आप पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह वो दे सकते हैं, जो तुरंत उसको मिल सकता है अगर कम है तो उसको, लेकिन ये शुरू का ही है, 2-3 साल जो शुरू के 3-4 साल का पौधा है आप बोल रहे हैं, तो उसमें और रफ लेमन रूटस्टॉक होता है तो उसमें ये शुरू में समस्या होती है, बाद में वो अपने आप कम हो जाएगी, जब अगली फसल ले लेंगे आप तो वो कम हो जाएगी, और उसको उस वक्त फिर पूरे पोटेश की जरूरत भी पड़ सकती है, तो वो देखिए कि अगर फलों की संख्या पौधे एक पौधे पर 100-150 ही फल है तो उसको आप पोटेश कम कर सकते, लेकिन जैसे फलों की संख्या 300, 400, 500, 600 हो जाएगी तो जो रिकमेंडेड हमारा पोटेश है वो देना जरूरी है। ओके सर, ओके ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। दीपक लांबा जी प्लीज राइज किए ना आप। हाँ जी, ये क्वेरी मेरी थी जी, सत्यपाल की क्वेरी थी ये, जो डॉक्टर साहब ने सॉर्ट आउट कर दिए, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू। दीपक लंबा जी प्लीज बोलिए, आपने हाथ खड़ा किया ना, बोलिए आपको क्या क्वेरी है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलिए जी। सर मेरे पास 3 क्वेश्चन है। सर पहला तो है कि पौधे पे फल तो ज्यादा आ रहे हैं किन्नू पे, लेकिन उनका साइज छोटा रहता है, कितने साल के पौधे? सर ये है 2014 में लगाए थे सर, 9 साल हो गए। कितने फल कितने रहते हैं एक पौधे पर? सर पड़ जाते हैं करीब 220 से लेके 250 तक के करीब। तो ठीक है, ज्यादा तो है नहीं, तो क्या कहते हैं उसकी मतलब पौधे की ग्रोथ भी नहीं हो पा रही और उनका साइज, फलों का साइज है वो भी छोटा रहता है सर। तो वो मिट्टी की परीक्षण किया था मिट्टी का आपने? सोयल टेस्टिंग तो नहीं करवाया सर अभी। तो उसको क्या है, क्योंकि जो हम खाद वगैरह दे रहे हैं क्या उसके जो सर, वो तो रेगुलर इंटरवल पे पड़ रही है सर, तो वो हो सकता है कि मिट्टी की जांच कराए तो वो अच्छा रहेगा।
एक बार कर लीजिए। कितने पौधे हैं ये? सर मेरे पास दो 10 साल के तो सर मेरे पास हैं 400, और 2 साल के हैं मेरे पास करीब 750 के करीब। तो आप मिट्टी की जांच करवाइए और वो रिपोर्ट शेयर कर लीजिए, तो उसके बेस पर हम देखते हैं कि उसमें अगर क्या है, किस चीज की कमी है, पीएच कैसा है, उसमें क्षार है क्या, इसी वगैरह वो देखते हो बताएंगे। इसका सर स्प्रे क्या शेड्यूल मिल सकता है क्या, कि मतलब किस टाइम पे कौन सी स्प्रे डालें? जी वो समय समय पर हम शेयर करते हैं, उसको आप व्हाट्सएप में देख सकते हो, बताएंगे। अच्छा सर, चलिए। और ये नाइट्रोजन जो डालना होता है सर, ये मतलब रेगुलर मतलब इंटरवल में डालें या फिर इसको सिंगल टाइम में ही डाल दें? नहीं नहीं, इंटरवल पर है। आमतौर पर क्या के लेबर कॉस्ट ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको 3 बार बोल देते हैं। जैसे अभी मार्च महीने में, फरवरी मार्च में देना है, फिर बाद में जब बारिश होती है जुलाई में, जून एंड या जुलाई में, उस वक्त देना है, और फिर बारिश के खत्म होते वक्त जो सितंबर अक्टूबर में देना। लेकिन आप ड्रिप के जरिए दे रहे हैं, तो ड्रिप के जरिए देना है तो बहुत ही अच्छा होता है। फिर जो हम एक बार दे रहे हैं, 3 महीने में एक बार देते हैं, तो उसको डिवाइड कर सकते हैं, हर महीने उसको 50 ग्राम या 60 ग्राम या 70 ग्राम उसको दे सकते हैं। ऐसे इस तरीके से भी हम एक हफ्ते के इंटरवल पर 40-40, 50-50 ग्राम, ऐसे 300 ग्राम है तो 6 हफ्ते में 300 ग्राम हम दे सकते हैं। तो इसलिए ड्रिप इरिगेशन अगर है तो उसका एफिशिएंसी जो अच्छा होता है और लॉसेज जो है वो कम से कम रहते हैं उसमें। ठीक है सर, अभी फ्लोरिंग से पहले कोई स्प्रे कर सकते हैं? फ्लोरिंग से कब फ्लोरिंग आपके अभी स्ट्रेस दिया है क्या, मतलब तो तुड़ाई वगैरह हो गई है? सर हाँ, कली वगैरह तो कर दिया है, बाकी और देसी खाद वगैरह एनपीके वगैरह तो डाल दिया है। लेकिन मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था, जिस तरह बडिंग स्टार्ट होने वाली है अभी, बडिंग से उसके बाद फ्लोरिंग जब आएगी तो उससे पहले कोई स्पेसिफिक स्प्रे डाल सकते हैं क्या कुछ? हाँ, या जरूरत नहीं? जो कर सकते हैं, क्योंकि फूल अच्छे, फूल तो आते हैं अच्छे ना, ऐसा कोई समस्या तो है नहीं फूल नहीं आने की, है ना? हाँ जी। तो बडिंग जो होती है तो उस वक्त आप ये जिब्रेलिक एसिड और यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, वो अच्छा रहता है, हमने रिकमेंड भी किया हुआ है। तो यूरिया 1% 100 लीटर पानी में 1 किलो यूरिया और जिब्रेलिक एसिड 10 ग्राम, सॉरी 10 ppm, यानी 1 ग्राम 100 लीटर पानी के लिए, 1 ग्राम 100 लीटर पानी के लिए। और यूरिया हो गया सर 10 ग्राम 100 लीटर पानी के लिए, 1 किलो 1 किलो 100 लीटर पानी के लिए। हाँ जी। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू दीपक जी। सावर राम जी, सावर राम जी आपका क्वेश्चन पूछे। और किसी का क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, आई थिंक उनको सुन। मनप्रीत सिंह। हाँ बोलिए मनप्रीत सिंह जी। हाँ जी, एक मिनट सर, डायरी खोलूं मैं। डॉक्टर साहब जी बोलिए। डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए। अपने जड़ों के पास मिट्टी लगा सकते हैं क्या, जड़ों के पास? नहीं, हाँ वो जड़ों तने के पास, तने के पास। हाँ जी, तनों के पास। हाँ, तने में उसको मिट्टी का ढेर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि क्या है, वो जो बड़ी यूनियन होता है, जो चट्टी चट्टी का और हमारे संतरे का, तो उसको मिट्टी में, मिट्टी से ढकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो होता है, इसीलिए हम रूटस्टॉक जो चट्टी खट्टी इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो मिट्टी में जो फफूंद होती है, जो क्या कहते हैं फंगस होता है, तो वो उसमें पौधे में नहीं जाना चाहिए। जो जोड़ होता है अपना चट्टी का और उसका पंत्रे का, तो उससे मिट्टी के जरिए और पानी के जरिए वो नहीं इन्फेक्शन होना चाहिए, इसलिए उसको मिट्टी एक तो जोड़ होता है वो मिट्टी में दबाना नहीं चाहिए, उसको ऊपर रखना चाहिए 4-6 इंच लगाते वक्त पौधा, और उसको हमेशा वो जो जोड़ है उसको साफ ऊपर दिखना चाहिए, उस पर मिट्टी नहीं चढ़ानी चाहिए। हरापन आता है किन्नु के जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेलो,
हाँ जी बोलिए बोलिए तनों पे हरा पाना है जैसे किन्नू पे इसमें अब तुम्हें ना बोलिए आप ये हरा पाना आपको को हरा किन्नू फल पर बोल रहे हैं हरापन आ रहा है सर उसका कलर में हरा नहीं तो नहीं सर जो बड़ा तना है नहीं ऊपर पीता है स्मॉल एक पेन उसका जो तना है सर पौधे का उस पे हरा का तो अलगी वगैरह होगा वो उसका क्या होगा कई पौधों पे दिखाई दे बारिश वगैरह बारिश के दिनों में दिखता है क्या ये हरापन भाई कई जैसे होती है वो जो है जो पानी पर काई जमा होती है वैसे उस तरीके का बोल रहे हैं क्या आप हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ पर जो हरा यह सही है तो उसको उसको कुछ नहीं बोल्डर मिक्सचर उसका आप स्प्रे कर सकते हैं जो जैसे हाँ वो वही उसको कर वो हो जाएगा उससे क्योंकि तो क्या है वो नमी जी हाँ जी बगीचे में नमी जब ज्यादा होती है तो वो होता है और उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए इसलिए उसका आप जो बोर्डो मिक्सचर का जो लेप होता है वो लेप भी लगा सकते हैं बोर्डो पेस्ट जो वो होता है बोर्डो पेस्ट लगा सकते हैं तने पर वो लगाना है जैसे अभी बारिश के अपना ये धूप के पहले अभी लगा सकते हैं सारे बगीचे को सारे पौधों को ये प्रिवेंटिव वो लगाना है अभी उससे क्या है धूप से भी तने का जो बचते हैं धूप से भी जो तेज धूप होती है उससे भी उसको प्रोटेक्शन मिलता है और उसको बारिश के पहले फिर जून महीने में जून के एंड में उसको लेप देना है बोर्डो पेस्ट वो अच्छा रहता है जून के एंड जून में अभी भी कर सकते हैं नेक्स्ट जी ठीक है सर एक और क्वेश्चन है बोलिए बोलिए इसमें सब सोइलर यानी कि जो ज्यादा टॉप सोइलर हेलो हाँ बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब सब सोइलर होता है जो नीचे जाता है तीन फुट की गहराई में जाता है हाँ। वो बाग में ड्रिल करना चाहिए नहीं नहीं सब सोइलर इतना गहरा नहीं क्योंकि क्या है वो ये जो फाइटोफ्थोरा होता है जो आप ज्यादा डीप प्लोइंग करते हैं या डीप अपना सब सॉइलर इस्तेमाल करते हैं तो जो जड़े हैं वो टूटनी नहीं चाहिए उसका तीन फुट तो बहुत गहरा हो गया फिर तो पौधा बगीचा खराब हो जाएगा तो आपका जो है 30 सेंटीमीटर तक ज्यादा से ज्यादा हो तो वो चल जाएगा 20 से 30 सेंटीमीटर तक का जो नेक्स्ट सर एडजस्ट जी बोलिए नेक्स्ट सर सर मान लो आपने यूरिया के यहाँ पर कमेंट कर दिया ठीक है सर अब आपने यूरिया बोल दिया दे दो तो सर जैसे मान लो यूरिया कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे अपने गंगा नगर यूरिया क्या बोल रहे हैं बोल रहे हैं अब यूरिया देंगे अपनी तरह से तो मच्छर अब सर नाइट्रोजन देंगे आप टाइम अभी देना हाँ जी अभी नाइट्रोजन देना है तो सर उसमें मच्छर तेलना ज्यादा आता है इसे देने से ये लोग कुछ डॉक्टर साहब यहाँ के लोकल के बोल रहे हैं बोलते हैं हमको थोड़ा अप्रैल में दीजिए वो बोलते हैं हमको नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो मच्छर कौन सा कीड़ा बताए बताइए वो कौन सा आपका काली मक्खी बोल रहे हैं नहीं हाँ जी सर व्हाइट फ्लाई भी आती है ना गर्मी में अब व्हाइट फ्लाई भी आ जाएगा तो वो तो ऐसा है कि जब पौधा अच्छा है और उसको क्योंकि अप्रैल में तो थोड़ा लेट हो जाएगा ना अभी फूल लगेंगे फल लगेंगे तो अप्रैल में अगर किसी वजह से आप मार्च महीने में नहीं दे पाते तो वो अप्रैल ठीक है लेकिन मार्च इज वो अच्छा टाइम तो है मार्च महीने में ही देने का क्योंकि क्या अप्रैल में धूप भी पड़ती है तो रिकमेंडेशन तो ये अच्छा है कि क्योंकि अभी पानी देंगे आप बगीचे को उसी वक्त वो उसको अच्छा मिलेगा तो वो अच्छा रहेगा मार्च में ही देना डॉक्टर साहब ये अभी अपने प्रिवेंटिव तौर पे हेलो हाँ सर मेरे बगीचे में सेंटर सिल्ले की प्रॉब्लम बहुत आती है
कोई है आपके पास ऐसा कोई सजेस्ट जिससे आप मैं इस पे बचा जा सकूं? मेरे दो तीन स्प्रे वैसे निकल जाती है, कोई आपके पास ऐसा सजेशन हो जिससे मैं इससे बचा जा सकूं? दो तीन साल हो गए बहुत ज्यादा इसका अटैक, जैसे अब फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी देने, यानी सेंट्रसिला भी इसके साथ ही आ जाती है और जाता ही नहीं आखिर तक, कोई इसकी कोई आपको? हाँ नहीं, ये बहुत जरूरी है, अच्छा आपने प्रश्न मुद्दा उठाया, क्योंकि सिट्रस सिला जो है उसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमारी जो सिट्रस स्क्रीनिंग की बीमारी है वो भी फैलती है बगीचे में, तो ये सिट्रस सिला जो है वो जब आता है, हाँ सिट्रस सिला जब आता है तो उसके कोई भी जो हमारे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होते हैं तो वो पहले तो शुरू में तो आप उसको जो पुराना कंपाउंड है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और 12 से 15 दिन बाद दूसरा करेंगे तो वो कम से कम दो तो है। अभी मार्च महीने में कब आता है ये आपको देखना, आपके कब आता है पत्तियां निकलना थोड़ा सा। हाँ बाकी प्रश्न पूछने के बाद माइक बंद करेंगे, सुनेंगे तो ठीक रहेगा। तो उसको जब निकलता है, जब फूल आते हैं तो उसके साथ ही है सिट्रस सेला भी आता है। ये देखो सिट्रस सेला उस वक्त दो स्प्रे बहुत जरूरी है, इंसेक्टिसाइड के दो स्प्रे जब आता है वो तो जरूरी है, वो जैसे इमिडाक्लोपीड है या एसिफेट है या और भी है, तो उसको कोई भी आप जो दो इंसेक्टिसाइड 12 से 15 दिन के इंटरवल पर आपको करना जरूरी है, उससे हो जाता है कम, और बहुत ही जरूरी हो अगर उसका अटैक दोबारा हो जाए तो तीसरा लेना, नहीं तो दो स्प्रे में ही हो जाता है। का आखिर या मार्च का पहला हफ्ता, इसमें ये दो बार आप दे सकते हैं, जुलाई में चाहे ना दो, जुलाई में तो आपको जो आपका ट्राइकोडर्मा आप दे सकते हैं, जो बारिश आती है वापिस ट्राइकोडर्मा उसको दे सकते हैं, एक एक पौधे को जो है 40 से 50 ग्राम, अगर छोटा पौधा है तो 40-50 ग्राम, बड़ा है तो 100 ग्राम तक दे सकते हैं, लेकिन उसको भी आप ट्राइकोडर्मा है वो गोबर खाद में मिलाकर उसका काउंट बढ़ा कर दे सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, और वो जुलाई महीने में काफी अच्छा रहता है। बाकी जैसे अभी रिडोमिल यूज किया, फिर हम जैसे ट्राइकोडर्मा यूज करेंगे, ये केमिकल है वो बायो एजेंट है, तो इसमें कोई मतलब वो दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ तो वो जैसे है ट्राइकोडर्मा अगर आपने किया तो 15-20 दिन बाद आप उसको जो केमिकल जो अपना फफूंदनाशी है वो कर सकते हैं, तो सिलेक्टिव होता है एक्चुअली क्या है ये जो वो उसको ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, जो फाइटोप्थोरा का है वो सिलेक्टिव होता है, वो फाइटोप्थोरा के लिए ही होता है, दूसरी फफूंद को नहीं मारता, तो या तो पहले आप केमिकल दे दीजिए बाद में आप ट्राइकोडर्मा 8-10 दिन बाद उसको डालिए तो ट्राइकोडर्मा और अच्छा करेगा, तो और जुलाई महीने में आपको ट्राइकोडर्मा करना है, एक तो यहाँ जनवरी फरवरी में और जुलाई में। और फोलियर में एलियट अच्छा काम करेगा? फोलियर में एलियट करता है, जो पौधे अगर छोटे है तो उसे क्या है मिट्टी में ये मिट्टी से जाती है, तो अगर जड़ों को आप देंगे दे देंगे तो जड़ों के जरिए वो पत्ती में मिलता है, तो स्प्रे में करने से अच्छा है कि आप मिट्टी के जरिए ही दे दो, चाहे रेडोमिल हो या एलियट हो। अगर छोटे पौधे हैं, छोटे पौधे में छोटा बगीचा है तो उसको जैसे नर्सरी में हो तो उसको आप स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं, या छोटे एक दो साल तीन साल का बगीचा है, लेकिन बड़े 10-12 साल के पौधे और बड़े बड़ी मात्रा में उसको स्प्रे में भी दे मिट्टी में भी दे ये जरूरी है, ट्रेंचिंग ही अच्छा कारगर है। ओके दूसरा इमिडाक्लोपीड जो है वो टर्माइट्स के लिए जो प्रिवेंटिव तौर पे यूज किया जा सकता है? टर्माइट्स के लिए इमिडाक्लोपीड से अच्छा क्लोरपाइरीफॉस है ना टर्माइट्स के लिए, तो नहीं बाकी जैसे व्हाइट क्रब वगैरह भी इससे कंट्रोल हो जाए और जो भी है तो उसमें दोनों आप क्लोरपाइरीफॉस करके एक अच्छी है जो जो इंसेक्टिसाइड है वो मिट्टी के जरिए दे दीजिए, उसमें व्हाइट क्लब भी होता है टर्माइट भी कंट्रोल होता है, और इमिडाक्लोपीड तो फिर स्प्रे के लिए अच्छा ही है जो पत्तियों के जरिए वो देते हैं,
ट्रेंचिंग की बात कर रहा हूँ सर। ट्रेंचिंग में भी देते हैं, लेकिन ट्रेंचिंग के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि क्लोरबेरी फर्स्ट इमिडा से अच्छा है। इमिडा का भी मिट्टी के जरिए देते हैं लोग, चलता है। हाँ, अल्टरनेटिवली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब साल में एक बार यूज करना चाहिए इसको, या मतलब इन्फेस्टेशन हो तभी यूज करना चाहिए? साल में एक बार अगर समस्या है अपनी मिट्टी में, जैसे टर्माइट अगर है या समस्या है, तो क्लोरबेरी फर्स्ट तो एक बार करना ही चाहिए। जैसे अभी फरवरी महीना, मार्च महीना, उसको करेंगे तो वो एक्टिव रहते हैं, उस वक्त वो करना चाहिए। ओके। दूसरा डॉक्टर साहब, ये जुलाई अगस्त में कैंकर का बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है, तो इसका क्या इलाज है? क्योंकि ये जो ब्लू कॉपर वगैरह हम करते हैं तो उससे इतना कंट्रोल हो नहीं पाता, इतना इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। नहीं, कैसा है, जब बारिश होती है ना ज्यादा, तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन भी बैक्टीरिया है वो बड़ा फास्ट होता है, तो उसको एक तो आपकी प्रूनिंग अच्छी की होनी चाहिए, जैसे हवा उसको अच्छी मिलनी चाहिए पौधों को बीच में। अगर 30x30 फुट पर लगाया है और उसको जो घनी, अगर कैनोपी है घनी है, उसका पर्ण छत्र घना है, तो उसको पतला करना चाहिए, तो प्रूनिंग करने से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी तो फिर दवाइयां है ही है, ब्लू कॉपर हुआ या बोडो मिक्सचर हुआ या आपका वो जो एंटीबायोटिक है उसको भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। तो वो करने के साथ में इसको मैनेज किया तो वो कम से कम प्रकोप होता है। ओके डॉक्टर, ओके, थैंक यू वेरी मच। और किसी का सवाल, लास्ट एक सवाल लेंगे। एक सिट्रस ग्रीनिंग का कंट्रोल बताएं, ये वो नहीं कंट्रोल होती जो कि ग्रीन रह जाता है। सिट्रस ग्रीनिंग कंट्रोल नहीं होती सर, काफी ज्यादा है ये दिक्कत इसकी हमारे ऑर्चर्ड में। कितने साल का है बगीचा आपका? सर अलग अलग है इसे, मतलब कोई 10 साल का, कोई 12 का, 15 का, 7 साल का भी है। तो सिट्रस ग्रीनिंग का जो है उसके लिए भी हमने जो एंटीबायोटिक है, एक तो टेट्रासाइक्लिन है और दूसरा टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, उसका एक एक स्प्रे तो आप अभी कर सकते हैं। ठीक है। ये और फिर जाके जुलाई में और नवंबर में वो 3 स्प्रे अगर कर देंगे तो वो एक तो एंटीबायोटिक है वो उसको कम करेगा, दूसरा जैसे सिट्रस सिला की बात की अभी, तो सिट्रस सिला का कंट्रोल करना जरूरी है। जैसे मार्च महीने में आएगा वो फूल के साथ आता है, तो उस वक्त सिट्रस सिला का कंट्रोल करना जरूरी है, तो वो फैलाता है। और तीसरा अपना मैनेजमेंट जो है, खाद अच्छी मात्रा में, जो पर्याप्त मात्रा में हम उसको देने चाहिए ताकि वो अच्छा होता है, और जिंक सल्फेट जरूर उसको दिया करिए आप, तो कम से कम एक साल अभी 50 ग्राम दे सकते हैं और फिर जुलाई में 50 ग्राम ऐसे एक सर सिले का बता दीजिए और थोड़ा सा सिट्रस सिले का। हाँ, सिट्रस सिला जैसे कम कम स्प्रे करना चाहिए। न्यू स्प्रे, न्यू फ्लश आती है ना, नई पत्तियां आती है उसके साथ ही फूल भी आते हैं, तो उसी वक्त वो सिला आता है, तो उस वक्त आपको डाइमिथ्रेट जैसा शुरू में कर सकते हैं या एसीपेट कर सकते हैं या और फिर बाद में इमिडाक्लोपीड या दूसरे कंपाउंड जो है वो 12 दिन बाद वो कर सकते हो। शुरू में ही इमिडाक्लोपीड जैसा एकदम कारगर किया और तो नेक्स्ट जो उसकी पीढ़ी होती है तो रेजिस्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए, जो कीड़ों के का रेजिस्टेंस अपने केमिकल के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको बदल बदल कर 2 इंसेक्टिसाइड उसको इस्तेमाल करना। और बाई चांस फिर दोबारा दिखता है आपको किसी हल्की बारिश हुई या फिर धूप निकल रही है फिर उसका प्रकोप दिखता है, तो तीसरा स्प्रे भी करना जरूरी है, कर लीजिए, करना कर सकते हैं। 2 स्प्रे में आमतौर पर हो जाता है, लेकिन कई बार तीसरा भी लग सकता है। एक सर मतलब इसकी मतलब क्वालिटी कैसे बढ़िया करेंगे किन्नू की, जो मतलब स्क्रैच से रह जाते हैं किन्नू के ऊपर और मतलब कलर नहीं बनता अच्छा? एक कलर के तो क्या है, कलर आपका जो फ्लावरिंग फूल कब आता है और हार्वेस्टिंग का टाइम कितना है, जैसे उसमें
करीब करीब 270 से 280 दिन कम से कम उसको चाहिए, तब उसको क्वालिटी भी अच्छी बनेगी, डिग्री डेज उसका अच्छा उसका पूरा मिल जाए तो वो क्वालिटी अच्छी बनेगी उसकी। जैसे 10-10 महीने लगते हैं, 300 दिन तक अगर रखेंगे पूरा उसको दे देंगे तो 300 दिन में उसकी क्वालिटी बेहतरीन बनती है किंग। और कलर भी आपका नवंबर जैसे आता है, नवंबर के एंड में तो कलर बहुत अच्छा आता है, नवंबर दिसंबर में दिनों का कलर जो है दिसंबर में अच्छा आता है, तो दिसंबर तक उसको रखना जरूरी है अच्छी क्वालिटी के लिए और अच्छा कलर आने के लिए। उतना दे देंगे 300 दिन का उसका है पीरियड। एक सब जो साइज जो छोटा रह जाता किन्नु का उसके लिए जो साइज जो है, साइज के लिए तो जैसे मैंने कहा कि अगर फलों की संख्या ज्यादा है उस पर तब तो साइज कम होने की समस्या आती है, लेकिन फल ज्यादा नहीं, 300-400 फल है तो साइज कम होना नहीं चाहिए, उल्टा उसका साइज ऑप्टिमम जो होता है बड़े बड़े होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा या तो हम खाद और पानी अच्छा नहीं दे रहे उसको, समय पर नहीं मिल रहा है, तो खासकर अप्रैल और मई महीने में उसको पानी नहीं मिलता, जून महीने में पानी नहीं मिलता तो साइज कम हो जाता है, भले ही फलों की संख्या कम है। तो उस वक्त आपको पानी जो है जैसे 4-5 दिन में या हफ्ते में जरूर हल्का पानी क्यों ना हो हफ्ते में एक बार जरूर देना चाहिए एकदम। आप 10-10, 12-12 दिन में पानी देते तो वो फलों का साइज भी कम हो जाता है, बाकी कोई और वजह नहीं लगती मुझे कि आप जैसे खाद दे रहे हैं और फलों की संख्या भी ज्यादा नहीं है तब भी साइज कम हो रहा है, इसका मतलब हमको पानी का जरूर हमको ध्यान देना चाहिए। इसलिए ट्रिप अगर है तो ट्रिप अच्छा है, अगर धान से या नाली से दे रहे पानी तो 4-5 दिन में पानी उसको कम पानी दो लेकिन जल्दी दे दो, कम पानी दो जल्दी दे दो। तो ये खासकर ये 3 महीने जो होते हैं आपके अप्रैल मई और जून महीना जब तक बारिश नहीं आती तो ये 3 महीने उसको देखना जरूरी है। एक बार उसका साइज अगर रुक गया तो वो बाद में बारिश आने के बाद भी उतना साइज बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो जो पेशियां जो होती है सिकड़ जाती है तो उसको स्वेलिंग जो होता है एकदम नहीं आता। अगर उसको बरकरार रखेंगे, थोड़ा सा अच्छा रखेंगे उसको, उसका टारगेट प्रेशर मेंटेन करेंगे, उसको नमी दे दे, हमारे पौधों में मिट्टी में नमी होना चाहिए ना कि पानी, तो पानी उतना ही दे दो जो नमी बनाए रखे। तो वो ड्रिप इरिगेशन बेसिकली यही करता है कि पौधों में उसकी नमी को बनाए रखता है, एकदम सूखना नहीं चाहिए। जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नीचे अगर हमारा पानी का जो अनुपात है नीचे जाता है, जैसे 18% के नीचे अगर पानी निकल जाता है तो पौधे को मिलता नहीं है, वो 16% के नीचे जाता है तो मिलता नहीं, तो 16-20% तक जो उसकी नमी उसमें होनी चाहिए तब जाकर आपका वो पौधा पानी लेता है और फलों का साइज भी यकीनन बढ़ेगा। ठीक है सर। ओके आई थिंक बहुत बढ़िया डिस्कशंस थे, सो मैं सभी किसान भाइयों को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ फेलो के तरफ से, आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी है तो टाइम टू टाइम एडवाइजरी देते रहेंगे, हमारे ऐप के थ्रू ही आपको एडवाइजरी अभी पानी कब देना, कितना देना, फर्टिलाइजर कब देना, कितना देना और कौन सा सिला के लिए कब कब स्प्रे देना, क्या स्प्रे देना, आपको ऐप में सभी सुविधाएं लभ्य है तो आप उधर आपको देख भी सकते हैं और टाइम टू टाइम आपको कुछ भी चाहिए तो हमारे एक्सपर्ट को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सभी किसानों को वंस अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो डॉक्टर अंबादास सुचेत सर का भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी ऐसा सेशन हम करते रहेंगे वीकली, 2 वीकली एक बार। तो आपका अभी आपको क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं होता हमारे एक्सपर्ट को कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, थ्रो ग्रुप के थ्रो से आपको मैसेज किया तो हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सभी किसान भाइयों को, थैंक यू एंड सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। शुड वी क्लोज? यस सर। थैंक यू। और एक सेशन के साथ और नेक्स्ट वीक में मिलेंगे और हम। यस श्योर। थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके डॉक्टर रमेश गुड। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इट। अच्छा रहा।
program was very good. Very yes, interactive. Sir. Yeah, yes, sir. It was very good. Thank you, sir. Of course.